कोरोना वायरस के खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर वन, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर टू, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर तीन, मास्क पहने और उसे डेली बदलें। नंबर चार, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर पांच, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। कोरोना नमस्ते। आज हम करने वाले वन शॉट वीडियो ऑन इकोलॉजी का चैप्टर नंबर टू यानी इकोसिस्टम। आई नो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है कि इतना बड़ा चैप्टर है, कैसे पढ़े, बस रटना ही है, याद नहीं हो रहा है। तो आज ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट होने वाली है, क्योंकि आ चुका है वन शॉट वीडियो ऑन इकोसिस्टम फॉर नीट 2020। सो गाइज, लेट अस स्टार्ट विद द रिविजन। And guys, आज के जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं? स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, प्रोडक्टिविटी, डीकॉम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल सक्सेशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। यानी ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी में है, और ये सारे द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट में इनमें से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, राइट? And guys, do not forget to subscribe our channel in one-shot videos के लिए, in amazing one-shot videos के लिए आपको subscribe करना है हमारे इस amazing channel को जो 1 million की तरफ बढ़ता जा रहा है। Vedantu NEET Made Easy channel, subscribe करना मत भूलना, like, share and subscribe our channel. And guys, yes, you can win a trip to Bangalore. Yes, if you use our channel logo as your DP on your WhatsApp, Facebook, Instagram and Gmail. जैसे आप कुछ कुछ क्रेजी काम करोगे, 1 million तक का सफर आसान बनाओगे, you will get a chance to win a trip to Bangalore, right? And guys, yes, this is my complete full playlist of one shot videos. जैसे कि आपको लग रहा है कि एक घंटे में मैं एनिमल किंगडम कैसे पढ़ सकता हूँ, so here is your video. ऐसे हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एंडोक्राइन सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, फोटोसिंथेसिस, प्लांट किंगडम, इन सबके वन शॉट अवेलेबल है इस पूरी फुल प्लेलिस्ट में। यस, फाइनली वी आर स्टार्टिंग विद इकोसिस्टम। इकोसिस्टम है क्या? इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम क्या बेटा? इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम बहुत टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है मैनमेड, एक हो सकता है टेरेस्ट्रियल, एक हो सकता है एक्वेटिक, ठीक है? टेरेस्ट्रियल में आपके पास है फॉरेस्ट, ग्रास लैंड एंड डेजर्ट्स, ठीक है? जबकि एक्वेटिक में इट कैन बी अ मरीन वाटर, इट कैन बी अ फ्रेश वाटर। जैसे फ्रेश वाटर का एग्जांपल क्या आपका? पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स। ऐसे मरीन वाटर के आपके एग्जांपल क्या है? ओशन एंड सीज। मैन मेड की अगर बात करें, यानी जो इंसानों ने बनाया है, तो वह क्रॉप फील्ड यानी एग्रीकल्चर फील्ड एंड एक्वेरियम। तो इकोसिस्टम एक वो जगह है जहां पे ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, प्लस इन ऑर्गेनिजम्स को जो अफेक्ट करते हैं वो होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। जब प्रकृति के साथ इंसान खुशी खुशी जीता है तो उस खुशहाल जगह को कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है? तो ये हमारे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम है। इसके बाद गाइस स्ट्रक्चर। यस, अगर हम पूरे इकोसिस्टम की बात करें तो हम तीन चीजों की बात करेंगे पूरे चैप्टर में। पहला इनपुट, यानी आपने क्या दिया, ठीक है? उसके बाद उसका ट्रांसफर, फिर फाइनली उसका आउटपुट, ठीक है? इनपुट की बात करें तो इनपुट में हम पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी, कि कितना आपने सामान डाला कि आपकी प्रोडक्टिविटी हुई, ठीक है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एक ट्रॉफिक लेवल से जब एनर्जी दूसरी ट्रॉफिक लेवल पे जाती है, जैसे जो हम देखते हैं फूड चेन या फूड वेब में या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, ठीक है? फिर आता है आउटपुट। आउटपुट में हम पढ़ेंगे एनर्जी लॉस एंड डिग्रेडेशन, ठीक है? उसके बाद गाइस ना इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, तो हर एक ऑर्गेनिज्म वर्टिकली एक स्ट्रैटा में अरेंज्ड है।
इसको कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन. द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफिकेशन. यानी कि जो ऑटोट्रॉफ्स है, जो खाना बनाते हैं, उन्हें हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं और वो फर्स्ट पे आते हैं. ठीक है, इन प्रोड्यूसर्स को खाने वाले होते हैं हर्बीवोर्स, वो सेकंड पे आते हैं. ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो स्ट्रैटिफिकेशन इन केस ऑफ अ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में क्या, जैसे हर्ब्स एंड ग्रासेस ये बहुत छोटे हैं, उनके ऊपर श्रब्स होंगे, उनके ऊपर ट्रीज होंगे. सो दिस वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन एन एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रैटिफिकेशन. Now, the next is productivity. Now, I will explain it myself. What is productivity? Productivity के लिए आपको समझना होगा सबसे पहले standing crop. Standing crop क्या होता है? The total amount of biomass present in an area is called as standing crop. ठीक है? तो यहाँ पे हम primary productivity देखते हैं. Now, what is primary productivity? Very, very easy it is. यहाँ पे मैं आपको दो तीन चीजें बताने वाली हूँ. Primary productivity, GPP, NPP and secondary productivity. ठीक है, तो आप बेटा इसको समझते हैं. Primary productivity, it is defined as the amount produced by the producers. ठीक है, yes. तो यहां पे आपको पढ़ना है gross primary productivity and net primary productivity. ठीक है, अब देखो इधर हो क्या रहा है, इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं. ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? मान लो कि ये एक एग्रीकल्चर फील्ड है. क्या ये एक एग्रीकल्चर फील्ड है जिस पे फार्मर ने राइस ग्रो किया है? क्या ग्रो किया है? राइस ग्रो किया है. ठीक है, अब जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे राइस ग्रो हो रहा है, तो एंड में जब वो पूरा अच्छे से इसकी कटाई करता है, इसे काटता है, तो उसको मिलते हैं 100 सैक ऑफ राइस. कितने मिलते हैं? 100 सैक ऑफ राइस. ठीक है, तो ये उसकी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी है कि टोटल अमाउंट ऑफ सैक कितने बने? 100. बट सिंस फार्मर ने यहाँ पे बेटा बहुत मेहनत की है, तो उसने इस 100 में से 10 सैक अपने लिए रख लिए. तो 10 सैक क्या हो गए? इसने अपने लिए रख लिए क्योंकि इसने बहुत मेहनत की थी उगाने के लिए. तो जो अब नेक्स्ट लेवल को मिलेगा वो कितने सैक होंगे? 90 सैक. कितने होंगे? 90 सैक. तो टोटल बनाया उसने 100 सैक, जिसे हमने बोला ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द टोटल अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिविटी डन. ठीक है, उसके बाद अवेलेबल कितने हुए? 90 सैक टू द नेक्स्ट लेवल. तो इसको हम बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. ठीक है, तो ये जो 10 सैक थे, ये क्या हुआ? लॉस. ये क्या हुआ? लॉस. तो इसको हम बोलेंगे द लॉस विच इज डन ड्यूरिंग द प्रोसेस. ठीक है, तो अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊं तो NPP यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल्स टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस लॉस. यही फॉर्मूला होगा गाइस, यही होगा कि कितना अवेलेबल हुआ नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को, आपने उसे बोला नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जबकि प्रोड्यूसर्स ने कितना बनाया था? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. बट इसके प्रोडक्शन में कुछ एनर्जी यूज हो गई तो उसे हमने बोला लॉस. ठीक है, तो यही एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से आप माइनस कर दो रेस्पिरेशन लॉस. क्या माइनस करना आपने? रेस्पिरेशन लॉस. जैसे आप रेस्पिरेशन लॉस माइनस करते हो तो जितनी एनर्जी उसने बनाई है दैट विल बी अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. तो ये हो गया आपका 90 सैक. अब यहां पे देखो 90 सैक अवेलेबल हुआ ट्रॉफिक लेवल को, दूसरे वाले लिख लेते हैं यहां पे. अब इस वाले ट्रॉफिक लेवल ने इस 90 सैक में से मान लो कि 20 सैक यूज कर लिए अपने डेली नीड्स के लिए. ठीक है, इसने 20 यूज कर लिए, 20 सैक यूज्ड बाय दिस ट्रॉफिक लेवल. तो अब नेक्स्ट लेवल पे कितने अवेलेबल होंगे? 90 माइनस 20 यानी 70. 70 सैक विल बी अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. तो इसे बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. क्या बोलेंगे इसे? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. तो कितना नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तीसरे ट्रॉफिक लेवल को अवेलेबल करता है एनर्जी, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. तो वापस यहां देखते हैं, हमने सबसे पहले टर्म पढ़ा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फिर हमने पढ़ा जीपीपी एंड एनपीपी.
जीपीपी क्या था, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एमपीपी क्या था, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ पे एक फार्मर था जिसने इस फील्ड में टोटल सैक ऑफ राइस कितने बनाए, 100, बट उस 100 में से 10 उसने यूज कर लिए क्योंकि उस बेचारे ने बहुत मेहनत की थी। तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कितना अवेलेबल हुआ, सिर्फ 90 सैक, इससे बोलेंगे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो अवेलेबल हुई नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। अब जब ये 90 सैक नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे गए तो उसमें से 20 इसने यूज कर लिए, तो अब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को कितने अवेलेबल होंगे, 70, इसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब मान लो कि इसका नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, उसने 70 में से 30 यूज कर लिए तो कितने अवेलेबल होंगे, 40 सैक टू द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। तो इस तरीके से हर ट्रॉफिक लेवल पे कुछ कुछ अमाउंट यूज होती रहेगी एनर्जी ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, एंड जितना रेस्पिरेशन से यूज होके जो एनर्जी बचेगी दैट विल बी अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी से टर्शरी भी हो सकती है ये, ठीक है। सो दिस इज द एंटायर फंडा ऑफ प्रोडक्टिविटी, कितना आप प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, इसको बाद में लिखो अपने एनसीईआरटी में, खुद से समझो, बहुत आसान टॉपिक है ये। और इसकी यूनिट क्या होती है, G1-2 year-1 किलो कैलोरी, एनर्जी के टर्म्स में लिखा हुआ है ये वाला यूनिट। सो दीज आर द यूनिट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, आफ्टर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो हियर यू कैन सी पूरा डेफिनेशन लिखा हुआ है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कितना ऑर्गेनिक मैटर बना। तो जब फार्मर ने फील्ड में ग्रो किया तो कितने सैक बने थे, 100 सैक, ठीक है। वहीं पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, अमाउंट ऑफ यूटिलाइज बाय प्लांट्स इन रेस्पिरेशन, ठीक है, यानी एनपीपी इक्वल्स टू जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन लॉस। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्टिविटी है जो अवेलेबल होगी नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा चार्ट। नेक्स्ट अब आते हैं हम डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन आपको पता है कौन करता है, डीकम्पोजर्स, नाम से पता चल रहा है, ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। डीकम्पोजिशन इज डन बाय डीकम्पोजर्स, ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को चेंज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स में। और ये न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, जनरली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, और काम कौन करते हैं यहाँ पे, डीकम्पोजर्स, ठीक है। आप फटाफट से पहले चैट बॉक्स में लिखो, फार्मर फ्रेंड किसे बोलते हैं, हु इज अ फार्मर फ्रेंड, किसान का दोस्त, सच्चा दोस्त कौन है। यस, द नेम इज अर्थवर्म, यानी फेरेटिमा पोस्टुमा। अर्थवर्म जो है ये फार्मर का, किसान का सच्चा दोस्त है, क्योंकि ये एक डेट्रिटस पे खाने वाला जीव है, डेट्रिटस को खाता है ये, एट द सेम टाइम ये सॉइल को एरी बनाता है, उसे पोरस बनाता है। तो जितना सॉइल में एयर रहेगा उतना बेटर सॉइल रहेगा फॉर द प्लांट ग्रोथ, ठीक है, इसलिए इसे सच्चा साथी कहते हैं, किसका, किसान का। अब ये डीकम्पोजर्स करते क्या है, नाम से पता चल रहा है डीकम्पोजिशन करते हैं। डीकम्पोजिशन के 5 steps हैं, क्या क्या है, फर्स्ट फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। नाउ ट्रिक टू रिमेंबर क्या है, फ्रांस लंदन क्लोज है मीना, तो यानी कि हम मीना को बता रहे हैं कि फ्रांस और लंदन आपस में बहुत क्लोज है क्योंकि ये दोनों यूरोप की कंट्रीज है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप पे चलते हैं, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है, जब आप बड़े डेट्रिटस को छोटे डेट्रिटस में कन्वर्ट करते हैं तो उसे बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, द प्रोसेस बाय विच द लार्जर डेट्रिटस इज कन्वर्टेड into smaller detritus, ठीक है, this is called as fragmentation. Now what is this leaching process? Leaching process में क्या होता है, जितने भी आपके water soluble inorganic salts है, I repeat, जितने भी water soluble inorganic salts हैं, these are absorbed in the soil, they go deep into the layers of the soil and get precipitated. ठीक है, सो आपके यहां पे वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स कहां जाते हैं, डीप इनटू द सॉइल,
deep into the soil and gets precipitated. Is process ko kehte hai leaching. So this is a process by which actually the soil becomes enriched with inorganic salts. जो आपकी मिट्टी है वो न्यूट्रिएंट से भरपूर हो जाती है किस क्रिया से? लीचिंग की क्रिया से. ठीक है ना? कैटाबॉलिज्म, फंजी एंड बैक्टीरिया. फंजी एंड बैक्टीरिया जो है एंजाइम सिक्रीट करते हैं फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ डेट्रिटस, यानी एंजाइमेटिक एक्टिविटी से वो उसे और छोटा 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 कर देते हैं. ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस जो है आपका एक डार्क कलर्ड एमोफस सब्सटेंस है जो ऐड होता है सॉइल के अंदर. ठीक है? देन मिनरलाइजेशन, दैट इज एडिशन ऑफ मिनरल्स. तो इन चार पांच प्रोसेस से पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफ डीकॉम्पोजिशन होता है और अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर चेंज हो जाता है CO2, H2O एंड न्यूट्रिएंट्स में, और आपकी सॉइल भी एनरिच्ड हो जाती है विद ऑर्गेनिक मैटर. ह्यूमस इज ऑर्गेनिक मैटर एंड इनऑर्गेनिक मैटर. ठीक है? दोनों चीजों से हो जाती है. उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं हम. यस, द सेलिएंट फीचर्स ऑफ डीकम्पोजिशन. इसके क्या क्या सेलिएंट फीचर्स है? सबसे पहले ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, केमिकल नेचर ऑफ डेट्रिटस, क्लाइमेटिक कंडीशन. ठीक है? ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है क्या डीकम्पोजिशन, कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ फंजी एंड बैक्टीरिया. केमिकल नेचर ऑफ डेट्रिटस क्या है? अगर वो बहुत ज्यादा उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट है तो उसे टाइम लगेगा. ठीक है? क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है? क्लाइमेटिक कंडीशन देखो, यहां पे अगर वार्म है, मॉइस्ट है, तो आपको पता है फंजी तो मॉइस्ट कंडीशन में बहुत जल्दी ग्रो करती है, तो आपका प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन क्या होगा? सुपर फास्ट हो जाएगा. ठीक है? वहीं पे आपको पता है कोल्ड एंड ड्राई में ना बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है ना फंजी की ग्रोथ होती है, तो यहां पे प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा. ठीक है? तो फर्स्टली यू नीड ऑक्सीजन, यू नीड अप्रोप्रिएट क्लाइमेटिक कंडीशन, एंड जो केमिकल नेचर है डेट्रिटस का वो भी मैटर करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन. उसके बाद यस, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, एनर्जी फ्लो. आपको पता है जो हमारा सूरज है दैट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है? उसमें से जितनी भी रेडिएशन आती है उसका सिर्फ 2-10% कैप्चर कर पाते हैं प्लांट्स, ओनली 2-10%. यही वो एनर्जी है जिसपे पूरा संसार बसा हुआ है, सिर्फ 2-10% पे. ठीक है? तो ये जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है इसका 2-10% इज कैप्चर्ड बाय प्लांट्स, विच इज एक्चुअली सस्टेनिंग द एंटायर वर्ल्ड. ठीक है? एंड हर एक जीव इन प्लांट्स पे निर्भर है, चाहे डायरेक्टली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यम से. ठीक है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट. ठीक है? होता क्या है बेटा, मान लो कि मैं कार्निवोर हूं, कार्निवोर भी तो हर्बीवोर को खा रहा है, वो हर्बीवोर किसको खा रहा है? प्लांट्स को खा रहा है. सो यहां पे सोर्स क्या था? इनडायरेक्ट. अगर मैं डायरेक्ट प्लांट्स खा रही हूं, मान लो कि मैंने डायरेक्ट घिया की सब्जी खा ली, तो यहां पे मैं क्या हो जाऊंगी? डायरेक्ट इनटेक हो जाएगा. ठीक है? सो एनर्जी का जो फ्लो होता है हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है. ठीक है? प्लस कुछ अमाउंट में ये रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. ठीक है? एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स. देखो यहां पे प्लांट ने एब्जॉर्ब किया 2-10% टोटल एब्जॉर्प्शन होता है बाय ऑल द प्लांट्स. फिर कुछ हीट लॉस हुआ, द रेस्ट इज गो टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. फिर कुछ हीट लॉस हुआ, रेस्पिरेशन लॉस. ठीक है? फिर इट गोज टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. तो इस तरीके से एनर्जी फ्लो होता है इन अ यूनिडायरेक्शनल मैनर. उसके बाद फूड चेन. आपको पता है फूड चेन एक सिंपल ग्रेजिंग हो सकती है, एक डेट्रिटस फूड चेन हो सकती है सैप्रोफिटिक माने. ठीक है? यहां पे जब चेन शुरू होती है वो किससे शुरू होती है? डेड मटीरियल से, विच इज ईटन बाय वुडलाउस एंड फिर ब्लैकबर्ड. ठीक है? नाउ हियर सिंपल ग्रेजिंग, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर. बट फूड वेब्स भी होते हैं जब ये इंटरकनेक्टेड होती है फूड चेन्स. उसके बाद ये हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं. हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स तीन तरह के होते हैं. कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के. पहला एनर्जी, बायोमास एंड नंबर. इसमें मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं कि जो हमारा पिरामिड होता है, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, इज ऑलवेज अपराइट. इसमें आपको कोई एक्सेप्शन नहीं सोचना है. जबकि नंबर
और बायोमास के जो पिरामिड्स होते हैं दे कैन बी आइदर इन्वर्टेड, दे कैन बी आइदर इन्वर्टेड और अपराइट इन नेचर, और अपराइट इन नेचर। तो यहाँ पे दोनों तरह के हो सकते हैं ये, बट एनर्जी वाला हमेशा अपराइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट देखते हैं, जैसे कि आप प्रॉफिट लेवल्स यहाँ पे देख सकते हैं, द फर्स्ट हियर द नंबर पिरामिड इज गिवन। आपको पता है प्रोड्यूसर का नंबर बहुत ज्यादा है, फिर कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, सो इट फॉर्म्स अ पिरामिड विच इज अपराइट, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे द ट्रॉफिक लेवल, ये वाला आपका क्या है, बायोमास का है लास्ट वाला। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्वेटिक सिस्टम है, ये एक्वेटिक सिस्टम में जो बायोमास का पिरामिड आता है वो इन्वर्टेड होता है, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास कम होता है एज कंपेयर टू ज़ूप्लैंक्टन्स, ठीक है। उसके बाद गाइस ये देखो सनलाइट, यानी कि कितना एनर्जी हर लेवल पे जा रहा है, दिस इज एक्सप्लेन बाय लिंडमैन्स प्रिंसिपल, ठीक है। हर ट्रॉफिक लेवल पे 10% एनर्जी जा रहा है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करते हैं बढ़िया तरीके से, इधर देखो ध्यान से देखो, बहुत प्यारा प्रिंसिपल है लिंडमैन्स प्रिंसिपल, बिल्कुल इजी। अभी हमारा ये प्रोड्यूसर है, मैं कलर चेंज कर लेती हूं मार्कर का, दिस इज माय प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से गया ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक है। मान लो इस प्रोड्यूसर के पास, खुद के पास एनर्जी है 1000 जूल, ठीक है। इस 1000 का 10% किसके पास जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, तो एक जीरो हटा दो बस, कितनी जीरो हटानी है, एक जीरो, यानी 100 जूल इसके पास जाएगा, और ये प्रोड्यूसर कितना एनर्जी इसमें से रखेगा, 900 जूल, ठीक है। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर इसमें से 90 जूल रखेगा और 10 जूल किसके पास जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, ठीक है। इस 10 जूल में से 9 जूल अपने पास रखेगा और 1 जूल किसको देगा, टर्शियरी कंज्यूमर के पास, ठीक है। तो इस तरीके से सिर्फ 10% एनर्जी पास होती है हर ट्रॉफिक लेवल पे और 90% वो अपने पास रख लेता है। दिस इज कॉल्ड एज लिंडमैन्स लॉ, कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे यू पास ओनली 10% ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके बाद टेक द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा, टेक द स्क्रीनशॉट। हाउज़ द जोश, जोश कैसा है तुम्हारा, आएंगे लाइव भी आएंगे जल्दी, हाउज जोश। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ये देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये इकोलॉजिकल सक्सेशन है क्या, चेंज इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट। आपको पता है अगर प्रकृति बदलती है तो आपको भी बदलना पड़ेगा, और जो नहीं बदलता इवेंचुअली नेचर उसे हटा देती है, इसे कहते थे नेचुरल सेलेक्शन, राइट। तो जो प्रकृति के साथ बदलेगा, जो बदलाव को एक्सेप्ट करेगा खुली बाहों से, वही आगे जा पाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। जितनी भी कम्युनिटीज होती हैं, ठीक है, वो चाहती हैं समझौता, ठीक है। जब एक कम्युनिटी का, यहां पे देखते बेटा ध्यान से सुनो इस कॉन्सेप्ट को, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, एक जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी चाहती है एक समझौता किसके साथ, एनवायरमेंट के साथ। जब इस कम्युनिटी का एनवायरमेंट के साथ समझौता हो जाता है, तब इस कम्युनिटी को हम नाम देते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्या नाम देते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। और उस समझौते का नाम है इक्विलिब्रियम। क्या नाम है, इक्विलिब्रियम। तो जब कम्युनिटी इक्विलिब्रियम में आती है विद एनवायरमेंट, तो उस कम्युनिटी को हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। तो हर एक की इच्छा है कि मैं अपनी लाइफ में सेटल हो जाऊं। क्या कहते हो गाइस, आपकी भी यही इच्छा है कि हम लाइफ में सेटल हो जाएं, एक ठहराव आ जाए, यही कम्युनिटी की भी इच्छा है, ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे ही ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, ये एक तरह की स्टेबल कम्युनिटी है जिसने समझौता कर लिया है किसके साथ, एनवायरमेंट के साथ, ठीक है। बट जब ये कम्युनिटी शुरू होती है तो कई बार बहुत मुश्किलें होती हैं। ये कम्युनिटी दो तरह की हो सकती है, यानी कि सक्सेशन माने तो दो तरह के हो सकते हैं, सक्सेशन हो सकता है प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी।
प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन वो है जब आपके पास किसी की हेल्प नहीं होती, यानी आप 10 रुपए लेके निकलते हैं अपने घर से, आप कुछ नहीं जानते दुनिया के बारे में, ठीक है। सेकेंडरी वो है कि जब आपको पता है कि हमारे पास था बट अब नहीं है, अब हमें वापस बनाना है, ठीक है। तो प्राइमरी वो सक्सेशन है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम अ बंजर जमीन, यानी बैरन लैंड, बेयर लैंड से, जहां कुछ नहीं है, नॉट इवन सॉइल। सेकेंडरी सक्सेशन वो होता है जहां पे पहले लाइफ थी बट नष्ट हो गई और अब वापस लाइफ आपको लानी है। तो यहां पे तो सॉइल नहीं थी, यहां पे सॉइल है ऑलरेडी। तो यहां पे स्लो होगा सक्सेशन, जबकि यहां पे सक्सेशन क्या होगा, फास्ट होगा, ठीक है। सो दिस ऑर्डरली चेंज इज कॉल्ड एज, दिस ग्रेजुअल एंड ऑर्डरली चेंज इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, बिल्कुल सही। अभी इसके बाद में और पढ़ते हैं, ये देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी जहां एक नए एरिया से शुरू कर रहे हैं जहां पे सॉइल भी नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा यहां पे थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, मैं आपको यहां पे चेंज कर देती हूं। दिस इज नॉट फास्टर, दिस इज स्लोअर, व्हाइल सेकेंडरी इज फास्टर। ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, कोई नहीं, आप चेंज कर लो, ठीक है। तो यहां पे देखो, आई थिंक when nature have been destroyed such as farmland burned or cutouts, अच्छा तो ऐसा करते हैं, ये ऊपर की हेडिंग ही चेंज हो गई है, दिस शुड बी सेकेंडरी एंड दिस शुड बी प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन वो है जो एक न्यूली कूल लावा बेयर रॉक न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड से शुरू हुआ है, ठीक है, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन वो है जहां पहले लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी। सो दिस इज फास्टर एंड दिस इज स्लोअर, ये प्राइमरी है बेटा, इसको ठीक कर लेना, ये सेकेंडरी है। नाउ नेक्स्ट, सेकेंडरी सक्सेशन। हर एक कॉम्युनिटी क्या करना चाहती है, बिल्कुल स्टेबल होना चाहती है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास दो तरह के सक्सेशन है बेस्ड ऑन द हैबिटेट, हाइड्रॉक एंड जेराक। हाइड्रॉक वो सक्सेशन है जो स्टार्ट होता है वेरी वेट एरिया से, जेराक वो है जो वेरी ड्राई एरिया से शुरू होता है, ठीक है। हाइड्रॉक भी मेजिक कंडीशन पे जाना चाहता है, जेरिक भी मेजिक कंडीशन पे जाना चाहता है। मेजिक क्या है, मीडियम वाटर कंडीशन, यहाँ पानी नहीं था बट थोड़ा पानी चाहिए, यहां पे बहुत सारा पानी था थोड़ा कम पानी चाहिए, ठीक है। तो मेजिक कंडीशन इज द अल्टीमेट इक्विलिब्रियम जो दोनों चाहते हैं अटेन करना। नेक्स्ट, ये कुछ डायग्राम्स है और ये एक फ्लो चार्ट है जेरिक, ठीक है। जेरिक में क्या होता है, पाइनियर स्पीशीज, सबसे पहले पाइनियर स्पीशीज है, ठीक है। मान लो कि यहां पे रॉक है, ठीक है, रॉक के ऊपर उगते हैं ब्रायोफाइट्स, लाइकेंस। लाइकेंस के बाद, चलो मैं यहां पे लिख ही देती हूं तुम लोगों के लिए, सबसे पहले रॉक, रॉक के ऊपर ग्रो करते हैं लाइकेंस, फिर लाइकेंस के बाद आते हैं ब्रायोफाइट्स, क्योंकि कम पानी में सस्टेन कर जाते हैं, ठीक है। वहां पे लिखा हुआ है लाइकन सिक्रीट एसिड टू डिसॉल्व रॉक, वेदरिंग करते हैं, सॉइल बनाते हैं वो, फिर बिगर प्लांट्स, फिर स्टेबल कम्युनिटी, फिर फाइनली इट रीचेस टू जेरोफिटिक टू मेसोफिटिक कंडीशन। तो बहुत इजी है जरा, कि पहले पत्थर था, पत्थर पे ग्रो किया लाइकन, लाइकन ने एंजाइम सिक्रीट किए जिससे रॉक टूटा, सॉइल बनी। उसके बाद छोटे छोटे प्लांट्स आने शुरू हुए जिन्हें हमने बोला ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बाद फिर बिगअप प्लांट, फिर थे स्टेबल कम्युनिटी बननी शुरू हुई, एंड फाइनली फ्रॉम जेराक कंडीशन इट रीच टू मेसोफिटिक कंडीशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दिस इज योर हाइड्रॉक, ठीक है, पाइनियर्स, यानी कि वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी वेट लैंड, बहुत ज्यादा पानी वाली जगह से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहां से पाइनियर्स, पाइनियर्स से रूटेड सबमर्ज प्लांट, रूटेड फ्लोटेड एंजियोस्पर्म, फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, मार्श मीडोज, मार्श मीडोज के बाद ट्रीज, वॉटर टू लैंड। तो इस तरीके से चलेगा आपका पूरा हाइड्रॉक सक्सेशन। तो सबसे पहले यहां कौन से आते हैं, फाइटोप्लांक्टन, फाइनली ट्रीज, और ये हो गए एक स्टेबल कम्युनिटी, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल बहुत इजी है, आपको पता है कि इस कार्बन का सोर्स एटमॉस्फेयर में क्या है, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के जरिए, ठीक है। रेस्पिरेशन होता है, फिर उसके बाद सेकेंड थिंग क्या होता है, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कितना फॉसिल फ्यूल बर्न कर रहा है। तीसरी चीज आपकी क्या हो सकती है, वॉल्केनिक इरप्शन। ये सारी चीजें एटमॉस्फेयर में कार्बन को एड करता है, ठीक है। जैसे कार्बन एड होता है एटमॉस्फेयर में, इस कार्बन को उठा के फोटोसिंथेसिस से हम फिक्स कर देते हैं,
ठीक है, बट आपको पता है आजकल डिफोरेस्टेशन बहुत हो रहा है, यानी कि आप बहुत स्पीड से प्लांट काट रहे हैं, तो कार्बन तो बन रहा है बट उस कार्बन को फिक्स करने वाले प्लांट्स खत्म हो रहे हैं, जिसके कारण कार्बन का लेवल बढ़ रहा है और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है। उसके बाद गाइस ये हमारा फास्फोरस साइकिल, आपको पता है फास्फोरस गैसीय स्टेट में नहीं प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, एटमॉस्फेयर में। ये कहां पे प्रेजेंट होता है, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स में, ठीक है। तो जब ये पत्थर टूटते हैं बिकॉज ऑफ द रॉक वेदरिंग ऑफ रॉक, तो ये जो सॉइल के अंदर है ये फास्फोरस मिक्स होता है, ये फास्फोरस को कौन लेता है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को कौन खाता है, कंज्यूमर, और कंज्यूमर मरने के बाद कौन खाता है, डेट्रिटस। तो इस तरीके से फास्फोरस ऐड होता है किसके अंदर, आपकी न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर, फ्रॉम द रॉक्स बट नॉट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इकोसिस्टम सर्विसेस, यस, इकोसिस्टम सर्विसेस क्या होती है, ये द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर कॉल्ड इकोसिस्टम सर्विसेज। जो नेचर आपको सर्विसेज देती है उसे ही हम कहते हैं इकोसिस्टम सर्विसेज। पहले जैसे हवा को साफ करना, आजकल आपको पता है एयर प्यूरिफायर्स आप लेते हो कितने महंगे आते हैं, आपको प्रकृति ने एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर दिया है, ठीक है, तो उसे भी हम सर्विस लेंगे, ठीक है। उसके बाद मिटिगेट ड्रॉट एंड फ्लड्स, यानी कि जो फ्लड की आपदा है या सूखा पड़ रहा है उसको हटाने में भी काम करता है। साइकिल न्यूट्रिएंट, बिल्कुल, जनरेट फर्टाइल सॉइल, प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, पॉलिनेट क्रॉप्स, प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर कार्बन, प्रोवाइड एस्थेटिक एंड कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको नेचर देता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। इसी के साथ हमारा कंप्लीट हुआ है वन शॉर्ट रिविजन, एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी हियर। एंड गाइज भूलना मत हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, दिस इज vdnt.in/medicalv, बहुत अमेजिंग ग्रुप है फॉर ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ वेदांतु नीट मेड इजी चैनल। और जाने के बाद, पढ़ने के बाद लाइक करना मत भूलना, बिकॉज दिस इज वन शॉर्ट रिविजन ऑफ इकोसिस्टम, बहुत अमेजिंग है, लास्ट में आपको रिविजन में बहुत हेल्प करेगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने एनसीईआरटी के कवर किए हैं, फटाफट से क्विकली रिवाइज करो और फोड़ दो एग्जाम में, मचा दो एग्जाम में, राइट। सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करके जाना भूलना मत, ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर, सी यू सून विद अनदर वन शॉर्ट वीडियो, बाय बाय।